तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक नया चैप्टर, एक नई धमाकेदार सीरीज फॉर एमपीपीएससी, एमपी प्लस, एमपीएसआई एंड जेल प्रहरी पटवारी। तो कल हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों के बारे में चर्चा की थी और मध्य प्रदेश का इतिहास देख रहे थे। आज हम मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास देखने वाले हैं, जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध हुए कुछ विद्रोह है जो 1857 के पहले हुए थे, और 1857 की क्रांति देखना है मध्य प्रदेश में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए प्रमुख विद्रोह। ठीक है, तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वह था नागपुर के शासक के खिलाफ। मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1818 ईस्वी में महाकौशल क्षेत्र में हुआ है। आपको याद रखना है, ठीक है, कि मध्य प्रदेश में प्रथम विद्रोह जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ वह कब हुआ था, 1818 ईस्वी में। कहां हुआ था, तो महाकौशल क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, उस समय जस्ट एक साल पहले 1817 में नागपुर के शासक बने थे अप्पाजी भोसले। उन्होंने सिंहासन संभाला था नागपुर का। तो होता क्या है कि अंग्रेजों द्वारा अप्पाजी भोसले जो कि नागपुर के शासक थे को मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और नर्मदा कछार इन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। ठीक है, अप्पाजी भोसले को अंग्रेजों के द्वारा कुछ विशेष क्षेत्र छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था, और यही वह कारण था जिसके खिलाफ क्या किया गया, विद्रोह किया गया। अप्पाजी भोसले ने अरब सैनिकों के सहयोग से, इसके रिप्लाई में क्या हुआ, अप्पाजी भोसले ने अरब सैनिकों के सहयोग से मुल्ताई बैतूल में अंग्रेजों से युद्ध किया जिसमें उनकी पराजय हुई। तो यहां पर आपको याद इतना रखना है कि पहला विद्रोह जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ वह 1818 ईस्वी में हुआ और महाकौशल क्षेत्र में हुआ। ठीक है, इससे जस्ट एक साल पहले 1817 में अप्पाजी भोसले नागपुर सिंहासन पर बैठे थे। और होता क्या है कि अंग्रेजों द्वारा अप्पाजी भोसले को मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और नर्मदा कछार के क्षेत्रों को छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है, और बदले में अरब सैनिकों के सहयोग से अप्पाजी भोसले आक्रमण करते हैं, युद्ध करते हैं और उनकी पराजय हो जाती है। तो इसे देखते हुए अन्य क्षेत्रों से भी विद्रोह उठने शुरू हो जाते हैं। और जस्ट कुछ सालों बाद ही 1833 ईस्वी में रायगढ़ नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह, ठीक है याद रखना है, रायगढ़ नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुला विद्रोह किया, क्योंकि उस समय पेशवाओं को पद से अपदस्थ किया गया, पेशवाओं को पद से हटाया गया जो कि एक महत्वपूर्ण कारण था विद्रोह का। अंग्रेजों के खिलाफ एक चिंगारी उठी। ठीक है, तो 1842 ईस्वी की दुराभि संधि जिसमें कहा गया कि पेशवाओं को अब पद से अपदस्थ किया जाता है। ठीक है, तो 1842 की दुराभि संधि से असंतुष्ट होने के कारण सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला और होशंगाबाद में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। ठीक है, मेन रीजन क्या था, दुराभि संधि जिसमें पेशवाओं को अपदस्थ करना। ठीक है, और भी कई रीजन शामिल थे 1842 ईस्वी में इन जगहों पर, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए। और इस विद्रोह के प्रमुख नायकों की बात करें तो भरहुत के मधुकर शाह, चंद्रपुर सागर के जमींदार जवाहर सिंह बुंदेला, ठीक है, कहीं कहीं जवाहर सिंह बुंदेला या फिर जवाहरहट सिंह बुंदेला लिखा रहता है। तो चंद्रपुर सागर के जमींदार जवाहरहट सिंह बुंदेला, मदनपुर, नरसिंहपुर के गौंड जमींदार दिलहन शाह, ठीक है, मदनपुर के गौंड जमींदार दिलहन शाह और हीरापुर के किरण शाह थे। जो विद्रोह हुआ था 1842 की दुराभि संधि के बाद, तो उसके कुछ प्रमुख नायक आपने यहां देखा, मधुकर शाह, यहां पर जवाहर सिंह बुंदेला मदनपुर से, यहां पर दिलहन शाह और हीरापुर के किरण शाह थे।
ठीक है। तो इन दो विद्रोहों को हमें याद रखना है, इसके बाद हम 1857 की क्रांति को देखते हैं, ठीक है। 1818 में होने वाला महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह है, जिसमें अप्पाजी भोसले को क्या किया गया, पद और क्षेत्र छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है। और यहां पर दुराभि संधि के कारण कुछ क्षेत्रों में, कुछ विशेष क्षेत्रों में विद्रोह होता है, ठीक है। मधुकर शाह है, क्रेन शाह है, यहां पर दिलहन शाह है और जवाहर सिंह बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का आगाज हो जाता है और स्टार्टिंग होती है 3 जून 1857 को नीमच छावनी से। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में पैदल एवं घुड़सवार टुकड़ियों ने विद्रोह किया, जहां पर विद्रोह का जो दमन है वह अंग्रेज अधिकारी सीवी सोबर्स के द्वारा राजपूत सैनिकों के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां आरंभ हुई, तो नीमच छावनी में आरंभ हुई, ठीक। यहां पर लिखा है प्रदेश में यह विद्रोह है 3 जून 1857 को नीमच छावनी से पैदल और घुड़सवार सैनिकों द्वारा प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा यह विद्रोह कराया गया, पैदल एवं घुड़सवार सैनिक शामिल थे जिन्होंने नीमच छावनी में यह विद्रोह किया, लेकिन कर्नल सी बी सोबर्स ने उदयपुर के राजपूत सैनिकों की सहायता से नीमच के किले एवं निम्बाहेड़ा, ठीक है, पर अधिकार जमा लिया और विद्रोह को खत्म कर दिया, विद्रोह को समाप्त कर दिया। तो सबसे पहला याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का उदय कहां हुआ था, तो नीमच में हुआ था, और कब हुआ था, 3 जून 1857 को, ठीक है। और इस विद्रोह का दमन किसने किया, तो अंग्रेज अधिकारी सी बी सोबर्स ने उदयपुर के राजपूत सैनिकों की सहायता से। इसके बाद शेख रमजान के नेतृत्व में, शेख रमजान जो कि सागर से नेतृत्व करता थे, इनके नेतृत्व में अश्वारोही सैन्य टुकड़ी ने सागर में विद्रोह किया। अश्वारोही सैन्य टुकड़ी, ठीक है, ने सागर में विद्रोह किया। शंकर शाह तथा उनके पुत्र ने गढ़मंडला से विद्रोह किया। राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ से विद्रोह किया। श्री बहादुर और देवी सह ने मंडला तथा जमींदार नारायण सह ने रायपुर में 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया, विद्रोह का नेतृत्व किया है। और आपको लीडर एवं उनके क्षेत्र याद रखने हैं, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शेख रमजान ने कहां से विद्रोह का नेतृत्व किया, सागर से किया है। राजा ठाकुर प्रसाद ने कहां से किया है, तो राघवगढ़ से किया है, ठीक है, दो नाम पूछे जाते हैं। शंकर शाह उनके पुत्र ने कहां से किया है, गढ़मंडला से किया है, ठीक। और यहां पर जमींदार नारायण सिंह ने रायपुर से किया है। बहादुर और देवी सिंह ने मंडला से विद्रोह का नेतृत्व किया है। इस प्रकार इसके बाद ग्वालियर में यदि विद्रोह की बात करें, तो 14 जून 1857 को ग्वालियर के निकट मुरार छावनी, आपको याद रखना है कि ग्वालियर क्षेत्र में विद्रोह किस छावनी में हुआ था, तो मुरार छावनी में 14 जून 1857 को विद्रोह हुआ। आगे चलकर इस विद्रोह को झांसी की रानी और तात्या टोपे ने संभाला, ठीक है। इस विद्रोह को झांसी की रानी तथा तात्या टोपे ने लीड किया। इसके बाद 4 अप्रैल 1858 को झांसी पर सर ह्यूरोज, अंग्रेज अधिकारी सर ह्यूरोज ने आक्रमण किया, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। तो याद रखना है ग्वालियर पर अधिकार कब किया गया, तो 4 अप्रैल 1858 को जब आक्रमण किया था सर ह्यूरोज ने, तो उनको परास्त करके तात्या टोपे के साथ लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद 22 मई 1858 को कालपी में जनरल ह्यूरोज ने झांसी की रानी और तात्या टोपे की संयुक्त सेना को हरा दिया। और उसके बाद 28 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गई। आपको तीन डेट याद रखनी है, 4 अप्रैल 1858 को ग्वालियर पर अधिकार जमाया था, और 22 मई 1858 को कालपी में संयुक्त सेना को परास्त किया ह्यूरोज ने। इसके बाद 28 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई। तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगलों में सिंधिया के सामंत मानसिंह की सहायता से मेजर मीड ने
पकड़ा। याद रखना है किसकी सहायता से, तो सिंधिया के एक सामंत मानसिंह की सहायता से मेजर मीड ने शिवपुरी के जंगलों में पकड़ा और उसी के बाद 18 अप्रैल 1859 को नरवर, ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को नरवर के किले जो कुछ शिवपुरी में है, नरवर के किले में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। और याद रखने लायक एक पॉइंट आएगा कि बताइए 1857 की क्रांति में ग्वालियर के राजा कौन थे, तो 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के राजा जीवाजी राव सिंधिया थे, ठीक है। इसके बाद ग्वालियर की क्रांति में हमें याद रखना है कि मुरार छावनी से विद्रोह उत्पन्न होता है और क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के द्वारा संभाला जाता है। इसके बाद महू छावनी की बात करें तो 1 जुलाई 1857 को सादत खां के नेतृत्व में होलकर की सेना ने महू छावनी में विद्रोह किया, जिसके कारण वहां मौजूद अंग्रेज अधिकारी कर्नल ट्रेवर्न, कर्नल ड्यूरेंट तथा कैप्टन कीथ सीहोर भाग जाते हैं, जहां उनकी सहायता भोपाल की बेगम सिकंदर द्वारा की जाती है, ठीक है। तो याद रखना है सादत खान ने कहां नेतृत्व किया था, महू से नेतृत्व किया था विद्रोह का। इसके बाद मंदसौर की बात करें तो दिल्ली के शहजादी हुमायूं ने शहजादा फिरोज नाम से, दिल्ली के शहजादी हुमायूं ने शहजादा फिरोज नाम से विद्रोह किया, ठीक। अब चलते हैं मंडलेश्वर खरगोन में, तो 1859 तक यहां पर विद्रोहियों का कब्जा रहता है। विद्रोह हुआ था 1857 में, उस समय बंगाल रेजिमेंट के बेंजामिन हेफ्स की हत्या कर दी गई थी और लगभग 2 सालों तक 57-58-59 तक यहां पर विद्रोहियों का कब्जा रहता है। इसके बाद सेंधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में यहां पर आदिवासी विद्रोह हुआ और मंडला का इतिहास आपको याद रखना है क्योंकि यहां क्रांति का नेतृत्व रानी अवंतीबाई ने संभाला और उन्हें अंग्रेज अधिकारी बॉर्डन द्वारा 28 मार्च 1858 को परास्त किया गया, जिसके बाद रानी अवंतीबाई और उनकी सहायिका गिरधारी बाई ने आत्महत्या कर ली, ठीक है। रानी अवंतीबाई मंडला रामगढ़ की रानी कहलाती हैं, मंडला की शासिका कहलाती हैं, ठीक है। दो पॉइंट आपको याद रखने होंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका का नाम झलकारी भाई था, जिन्होंने साथ में, ठीक है, हमेशा युद्ध में साथ दिया उनका। और यहां पर आपको रानी अवंतीबाई की सहायिका का याद रखना है नाम गिरधारी बाई, दोनों ने एक साथ आत्महत्या की थी परास्त होने के बाद। इसके बाद संभलपुर जो कि वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है और यहां पर विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया, ठीक है। सुरेंद्र साई ने कहां से किया है विद्रोह का नेतृत्व, संभलपुर से किया है। उसके बाद नेमावर होशंगाबाद, यहां ठाकुर दौलत सिंह के नेतृत्व में, ठाकुर दौलत सिंह के नेतृत्व में विद्रोह की चिंगारी उठी थी और विद्रोह को लीड करने वाले व्यक्ति थे ठाकुर दौलत सिंह। इसके बाद अमझेरा, ठीक है, जो सबसे प्रचलित जगह रही, अमझेरा का राजा बख्तावर सिंह मालवा का पहला ऐसा शासक था जिसने कंपनी का शासन अंत करने के लिए 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया और एक कड़ी टक्कर दी अंग्रेजी शासन को, ठीक है। तो मालवा क्षेत्र से सामने आने वाले शासकों में सबसे प्रमुख शासक थे राजा बख्तावर सिंह। इसके बाद 1824 में कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए, ठीक है, याद रखना है 1824 में कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए सीहोर के दशहरा बाग मैदान में, ठीक है, एक कड़ी टक्कर दी और शहीद हो गए। और इन्हीं की स्मृति में, ठीक है, दशहरा बाग मैदान में एक छतरी का निर्माण कराया गया है सीहोर में, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 1857 की क्रांति और विद्रोह के नेता के बारे में चर्चा की है। आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जैसे पूछा जाए संबलपुर से विद्रोह के नेतृत्व करता सुरेंद्र साई, ठीक है, ठाकुर दौलत सिंह कहां से, नेमावर होशंगाबाद से, अमझीरा का राजा मालवा से पहले शासक थे, ठीक है,
शहजादा हुमायूं ने कहां से विद्रोह किया, तो मंदसौर से किया। भीमा नायक ने सेंधवा से किया। तो एक एक पॉइंट आपको याद रखने होंगे, ठीक। कानपुर से आपको याद रखना है, झांसी से याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा एक प्रमुख लेक्चर यहां पर कंप्लीट होता है। यदि आपको आज का यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बने रहे क्लब क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।